हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ग्रेडियंट एकेडमी। और हम सोल्व कर रहे हैं गेट 2023 के प्रॉब्लम्स विद डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस। सो ये प्रॉब्लम है मशीन डिज़ाइन का 2 मार्क्स के लिए। ए सिलेंड्रिकल ट्रांसमिशन शाफ्ट ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड डायमीटर 100 mm इज मेड अप ऑफ ए लीनियर इलास्टिक मटेरियल विद ए शियर मॉडुलस ऑफ 80 GPa। वाइल ऑपरेटिंग एट 500 RPM द एंगल ऑफ ट्विस्ट अक्रॉस इट्स लेंथ इज फाउंड टू बी 0.5 degree। द पावर ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट एट दिस स्पीड इज किलोवाट। ये वैल्यू पूछ रहा है कितने किलोवाट की है। सो और पाई का वैल्यू दिया हुआ है। ये हमारा शाफ्ट है जिसका उन्होंने लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, डायमीटर है 100 mm, जी की वैल्यू है 80 GPa, ये गिवन है। और हमें गिवन है एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा। अगर वो गिवन है हमें डिग्री में, तो हमें पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। और ये हमें पता है बेसिक, यहाँ पे टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क को। जी हमारा शियर मॉडुलस है, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है इन रेडियन, एल लेंथ है, ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें पावर निकालने के लिए टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टॉर्क कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जी थीटा बाय एल इंटू जे, जी कितना 80 गीगा पास्कल में है, तो 10^9 थीटा 0.5 इंटू पाई बाय 180, लेंथ 1.5 मीटर। और जो जे है वो होता है पाई बाय 32 d^4। डी हमारा mm में हो तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 / 1000, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। सो यहाँ आ जाएगा पाई बाय 32 इंटू 0.1^4। सो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.56 इंटू 10^3 न्यूटन मीटर। हमारे पास टॉर्क आ गया, अब हमें पावर कैलकुलेट करनी है। पावर किसके बराबर है, टॉर्क इंटू ओमेगा। अब हमारे पास उन्होंने दिया हुआ आरपीएम कितने, आरपीएम है 500, तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2πn/60। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने रोटेशन लेगा, एक मिनट में वो ले रहा है 500 रोटेशन, एक सेकंड में कितने लेगा 60। और एक रोटेशन वो इतना, तो एक सेकंड में इतने तो रोटेशन लेगा, और एक रोटेशन में कितना कवर करता है 2π, इसलिए 2πn/60 होता है, क्योंकि जो ओमेगा होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, तो टॉर्क है हमारा 4.56 इंटू 10^3 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 500/60। तो जब इसको सोल्व करेंगे, गेट में कैलकुलेटर रहता है इसी टाइप की कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए, 64 किलोवाट। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम इंटीजर टाइप है यहाँ पे रख देंगे, तो 2 मार्क्स हो गए कंप्लीट। Thank you guys, thank you for watching this. Hope you liked the video.
please share it, subscribe with your friends for get preparation. Thank you very much.